आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हर जगह। कोर्ट को गुमराह कर दिया जा रहा है और सभी तंत्र को अपने हित के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है एक विशेष पार्टी के द्वारा। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है। आप देखिए, मेरी माँ पूर्व विधायक निर्मला देवी थी, उन्होंने आंदोलन किया, लोगों की आवाज बनी, लेकिन उनको 10 साल का सजा सुना दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से ये बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है, हर हाल में इनका यही कोशिश रहता है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको विधानसभा घुसने नहीं दिया जाए, उनको राजनीति से पूरी तरह से उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया जाए। तो ये टारगेट कर करके इस तरह से काम करते हैं और इसी वजह से आज जो भी हालत हुआ है, आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी का जो मतलब जिस तरह से उनके पीछे पड़ के उनके घर में ईडी सीबीआई और तरह तरह के यातनाएं उनके साथ किए गए हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे नेता राहुल गांधी इन सब चीज़ों से टूटने वाले नहीं है। वो हमेशा जो गलत चीज है उसके खिलाफ बोलने का हिम्मत रखते हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो। वो किसी भी कितनी भी बड़ी शक्ति है उससे डरते नहीं, क्योंकि ये शक्ति तनिक समय के लिए है, क्षणिक समय के लिए है, क्योंकि जनता इस शक्ति के साथ लंबा टिक नहीं सकती, क्योंकि ये शक्ति हर हाल में जनता का पूरा दुरुपयोग कर रहा है, लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उसका कत्ल हो रहा है। और लोकतंत्र बचेगा तभी हमारे जनता खुश रहेगी, तभी हमारी जनता का हक और अधिकार बचा रहेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।